इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपना कन्वर्जन ठीक करोगे प्राइमरी टेक्स्ट के प्राइमरी टेक्स्ट का इस्तेमाल करके। ठीक है, देखो कन्वर्जन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के कन्वर्जन होगा जो लोग परचेज चाह रहे होंगे, कुछ लोग के लिए होगा कि भाई ऐड टू कार्ट आ जाए, कुछ लोग के लिए होगा कि लोग हमारा कॉन्टेंट देख लें। ठीक है, तो कन्वर्जन को हमें इंक्रीज करना है प्राइमरी टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए। देखो जो फेसबुक एड्स की सक्सेस होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, अलग अलग फैक्टर्स पर। एक फैक्टर आपका प्रोडक्ट भी होता है, आपके इंटरेस्ट टारगेटिंग भी होती है, प्लस जितनी भी चीज़ें फेसबुक के अंदर हैं सब में थोड़ा थोड़ा अपना रोल अदा करती हैं वो एक फेसबुक ऐड की सक्सेस के लिए। ठीक है, उनमें से एक हमारा प्राइमरी टेक्स्ट भी है। ठीक है, जो कि बहुत सारे लोग प्राइमरी टेक्स्ट को बहुत लाइटली लेते हैं। लाइटली क्या मतलब कि ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते, बट प्राइमरी टेक्स्ट आपको हेल्प कर सकता है थोड़ा सा कि आपका जो कन्वर्जन रेट है वो इंक्रीज हो जाए। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि कैसे आप उसको इंक्रीज करोगे। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना वीडियो को यार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो प्राइमरी टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जब आप ऐड चलाते हो तो फेसबुक पे वो जो ऐड के ऊपर जो टेक्स्ट लिख के आते हैं उन्हें हम प्राइमरी टेक्स्ट कहते हैं, और इंस्टाग्राम पर ये आपका पोस्ट के नीचे जो आपका ऐड होता है उसके नीचे यहाँ पर टेक्स्ट लिख के आते हैं उसी को ही प्राइमरी टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आती है या फिर ट्रैफिक ऐड जो भी आप टाइप की ऐड चलाते हैं उसमें जो ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं वो आपको फ़ोन से ही मिलते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब मोस्टली हम फ़ोन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब फोन में क्या होता है कि फोन में जो आपका प्राइमरी टेक्स्ट होता है, प्राइमरी टेक्स्ट की आपको पहले तो 3 लाइन विजिबल होती हैं, उसके बाद वहाँ पर रीड मोर का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, जो फर्स्ट 3 लाइन्स होती हैं वो विजिबल होंगी, उसके बाद आपको रीड मोर का ऑप्शन आएगा। अगर उस पर बंदा क्लिक करता है रीड मोर पे तो उसको और चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपकी पहली 3 लाइनें होनी चाहिए वो इस टाइप की लाइन होंगी जो आपके अटेंशन ग्रैबर होंगी। ठीक है, आपको लोगों को रोकना है यानी कि अटेंशन ग्रैब करना है। जो लोग स्वाइप करते जाते हैं तो वहाँ पर एक तो आपका ऐड क्रिएटिव उनको रोकेगा, प्लस जो आपका प्राइमरी टेक्स्ट होगा उस पर ध्यान उनका पहले जाएगा। ठीक है, उस प्राइमरी टेक्स्ट को भी आपको कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों को वो रोक दे। ठीक है, वो अटेंशन ग्रैबर होना चाहिए, और अटेंशन ग्रैबर आप बनाओगे कैसे करना है मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, अटेंशन ग्रैबर होना चाहिए जो लोगों को रोकेगा, उसके बाद लोग उस पर सी मोर पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक की नज़रों में वो थोड़ा सा अच्छा रहता है कि हाँ ठीक है लोग इस ऐड से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा सी मोर पे क्लिक करता है तो फेसबुक को लगता है, उसके एल्गोरिथम को लगता है कि हाँ इस ऐड से लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं तो चलो इसको मैं पुश करता हूँ। ठीक है, तो जो शुरुआत की जो आपके 3 लाइनें होती है कोशिश करो कि वो ऐसे हो कि वो अटेंशन ग्रैबर हो। अब कैसे बनाना है आपको अटेंशन ग्रैबर? देखो अगर आप कोर्स सेल करते हो, मान लो लेट सपोज कि आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो, तो वो कोर्स क्या चीज़ सॉल्व कर रहा है, किस कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, आपको पहले तो लोगों के पेन पॉइंट्स को जानना होगा। ठीक है, जो आपके कस्टमर हैं उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उस पेन पॉइंट्स के लिए लाइक आप एक क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हो आपके अपने प्राइमरी टेक्स्ट की। फॉर एग्जांपल आप एक कोर्स चलाते हो जो लीड जनरेशन के लिए है। ठीक है, यानी कि आप लोगों को सिखाते हो कि कैसे लीड जनरेट करना है, तो आप क्या करोगे, आप अपने प्राइमरी टेक्स्ट में डाल सकते हो कि आर यू यू नो इट्स गेटिंग डिफिकल्ट फॉर यू टू जनरेट मोर लीड्स, ठीक है क्वेश्चन मार्क, या फिर इज योर बिजनेस स्टक, ऐसे करके आप मतलब कि एक तरीके से क्वेश्चन बनाओगे लोगों को जो आपके मतलब वो ऐसा पेन पॉइंट होगा, वो पेन पॉइंट पे क्वेश्चन होगा कि हाँ अच्छा मुझे लगा कि यार मेरा बिजनेस स्टक हो गया या फिर मुझे भी लीड नहीं मिल रही है, देखता हूँ क्या ये है ना। मतलब कि आपको वहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रखोगे जिससे लोगों को पता चलेगा अच्छा ठीक है ये मेरे लायक प्रोडक्ट है। अगर कोई बंदा है जिसको लीड जनरेट करना है, उसकी लीड जनरेट नहीं हो रही है, और अगर उसके सामने क्वेश्चन आता है कि आर यू इट्स गेटिंग डिफिकल्ट फॉर यू टू जनरेट लीड्स, तो वो उस जगह पर रुकेगा। ठीक है, और वो आपके एड्स को पूरा देखेगा क्या चीज़ें हैं, एंड फिर वहाँ से कन्वर्जन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो एक तरीका ये है कि आप क्वेश्चन से शुरू करो। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछो, जो भी आपका ऐड है उस ऐड में आप अपना प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन डालो, और क्वेश्चन के बाद नीचे आप अपना सॉल्यूशन दे सकते हो कि क्या भी सॉल्यूशन है आपको, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि यार लोगों को बताओ कि आपको जो प्रोडक्ट है वो है क्या। आखिर बहुत बार होता है कि आप सोचते हो कि वीडियो लोग देख लेंगे या इमेज लोग देख लेंगे, तो जनरली क्या होता है कि लोग वीडियोस पूरी नहीं देखते हैं। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा लोगों के पास टाइम नहीं है कि आपकी पूरी वीडियोस देखें, मतलब बहुत बार ऐसा होता है। तो अब उस वीडियो को लोग देखें, उस देखने के लिए आपको जो प्राइमरी टेक्स्ट होना चाहिए वो कुछ ऐसा हो कि यार लोगों को लगे कि अच्छा ठीक है क्या है, चलो मैं देखता हूँ इस वीडियो को या इस पूरी पोस्ट को देखता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप प्राइमरी टेक्स्ट में आप जो भी डालते हो तो प्राइमरी टेक्स्ट में भी आप डालो कि ये प्रोडक्ट जो है आपका, जो भी प्रोडक्ट है आपका, कोर्स है, आप ई कॉमर्स में सेलिंग कर रहे हो, आप ड्रॉपशिपिंग कर रहे हो, वहाँ पर डालो कि ये प्रोडक्ट आपका कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो ये प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है। ठीक है, जब आप ये चीज़ डालोगे लोगों को लगेगा अच्छा ये काम कर रहा है, ये प्रोडक्ट कैसे कर रहा है, उसको देखने के लिए वो आपकी जो ऐड है उस ऐड को वो पूरा देखेंगे। ठीक है, एंड फिर वहाँ से जो आपका कन्वर्जन के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि वो आपकी वेबसाइट पर जाएंगे, और जितने ज़्यादा विजिटर आपकी वेबसाइट पर जाते हैं उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो कन्वर्जन है वो बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा विजिटर आपकी वेबसाइट पर उतना ज़्यादा आपका कन्वर्जन। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पूछना, दूसरी चीज़ कि अपने विजिटर को बता देना। अब जैसे कि मैंने देखा था एक ऐड था जिसमें था कि गेट फ्री बुक्स। ठीक है, अब वो ये प्राइमरी टेक्स्ट था और उन्होंने फिर जो आपकी पोस्ट थी उसमें बताया था कि ई बुक किस लिए, लेकिन वीडियो थी वो। तो अब गेट फ्री ई बुक आपने बोल दिया, अब किस चीज़ की ई बुक है वो,
मतलब क्यों मुझे चाहिए? अगर मैं हूँ तो मुझे पहले बताओगे ना यार ये ई बुक मार्केटिंग की है या ये ई बुक किसी और चीज़ के लिए है, मतलब क्यों मैं उस चीज़ को लूँ? पहली चीज़ तो लोग देखो फ्री में भी आपको अगर कुछ सेल कर रहे हो, अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हो, कुछ आप लीड मैग्नेट है आपके पास, तो वो लीड मैग्नेट भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको लें फ्री में भी लेने के लिए, या कुछ आपको देना पड़ेगा। यानी कि लाइक सपोज कि ये ई बुक है मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ई बुक, ऐसा करके आप डाल सकते हो, यानी कि लोगों को पता चले कि अगर मैं ये ई बुक लेता हूँ तो मुझे फ़ायदा क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने प्राइमरी टेक्स्ट में इंक्लूड करोगे। तो ये कुछ तरीके हैं, यानी कि पहले आपको अटेंशन ग्रैब करना है, अटेंशन ग्रैब करने के बाद आपको लोगों को उसके बेनिफिट्स बताने हैं, एक या दो या तीन बेनिफिट्स आप बताओ लोगों को। ठीक है, अटेंशन ग्रैब करो, उनको रोको, वहाँ पर बेनिफिट्स बताओ, फिर वो आपके ऐड्स से इंटरेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर आपके फेसबुक ऐड को एक पुश मिलेगा और फिर आपका जो कन्वर्जन रेट है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये पूरा तरीका है आपने प्राइमरी टेक्स्ट को इम्प्रूव करने का, ऑप्टिमाइज करने का, जिससे आपका कन्वर्जन रेट डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे एड्स में ये करके देख चुका हूँ। तो आप ये भी कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन होता है डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आप ज़्यादा कुछ मत लिखो। ठीक है, बहुत सारे मार्केटर्स या मैं भी ऐसे करते हैं कि वो स्टार लगा देते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, जैसे आप ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स में हो, तो आप स्टार लगा दो वहाँ पे, तो उससे लगता है कि इस प्रोडक्ट को रेटिंग दी गई है। ठीक है, जो बंदा सामने देखता है उसको लगता है अच्छा इस प्रोडक्ट की इतनी रेटिंग है, तो आप वहाँ पर 5 स्टार यूज़ कर सकते हो, 4 स्टार यूज़ कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन क्या होता है, वो ऐड के नीचे जहाँ पर आपका कॉल टू एक्शन बटन होता है उसके इधर साइड में उस टाइप के स्टार आ जाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो कि लोगों को लगेगा कि अच्छा ठीक है ये प्रोडक्ट रेटेड प्रोडक्ट है, इसको इतना स्टार इतना मिल रखा है, तो वहाँ से भी आपके कन्वर्जन रेट इंक्रीज होंगे। यानी कि डिस्क्रिप्शन में आप ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आप डिस्क्रिप्शन में यही चीज़ कर सकते हो। तो बस यही था कि आप कैसे अपने प्राइमरी टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज़ करोगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल लेके आए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड या फेसबुक से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, आई विल ट्राई कि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। और हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।